हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया था। उसमें से जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दे दी थी। कितनी है वो सब भी मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने कहा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भारतीय जो राज्य हैं कौन कौन से, वह कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करती हैं और उनकी जो लंबाई है पड़ोसी देशों के साथ में भारत की, वह कितनी है, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कहा था। तो यहाँ पर इस वीडियो में इसी के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है हमारा चीन, और यह जो चीन है आप मैप में बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यह भारत के साथ में 3488 किलोमीटर लगभग अपना सीमा को साझा करता है। तो 3488 किलोमीटर है, और इसके साथ में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो इसके साथ में है हमारा लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरीज है, यह ऊपर वाला जो हिस्सा है तो यह यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख लगा हुआ है। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इन राज्यों के नाम को ध्यान रख सकते हैं, और हो सके तो आप लोग मैप देखेंगे तो कहाँ पर कौन से राज्य की लोकेशन है यह आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो जाएगी। तो यहाँ पर है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा कितनी है, तो वह है 3323 किलोमीटर। तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा लगती है। और इसके साथ में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो यह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह तो यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन राज्यों की बात करते हैं तो यह गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो आप मैप में देख सकते हैं, अब गुजरात होगा, राजस्थान होगा और इस साइड में है पंजाब हमारा। म्यांमार तीसरा में देखते हैं। म्यांमार तो यह भारत के साथ में 1643 यानी 1643 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करती है। और म्यांमार आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक है भारत तो आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर उसके बाद में मणिपुर है, फिर मिजोरम है। आपको यह मैप से मिल जाएगी, आप मैप को देखते हुए चलेंगे। नेपाल अगला है हमारा। नेपाल तो नेपाल की लोकेशंस यहाँ पर है। तो इसके साथ में 1751 यानी 1751 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। और इसके साथ में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ पर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और इस जगह पर है आपका हमारा सिक्किम। तो यहाँ पर है टोटल जो 4 देश हैं यहाँ पर, इन देशों में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी है, यह मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां नंबर में भूटान। तो भूटान के साथ में भारत की सीमा है 699 किलोमीटर यानी कि 699 किलोमीटर भारत की जो सीमा है वह भूटान के साथ में लगती है। और भूटान कहाँ पर है, तो भूटान आप लोकेशन में देख सकते हैं। तो इसके साथ में कौन कौन से राज्य है भारतीय राज्य, तो वह है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सिक्किम इस वाले जगह पर है, असम ये है हमारा, अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला में, और उसके बाद में है पश्चिम बंगाल इस साइड में पड़ेगा। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा कितनी लगती है, वो 4096.7 किलोमीटर। तो यह है लगभग 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ में बांग्लादेश की सीमा लगती है। और यह बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश है इस जगह पर, आप देखिए मैप में भी और यहाँ पर भी। तो उसके साथ में कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं, तो वह है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो मैप में अगर आप लोग देखोगे तो पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करती है। और यही बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ में तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश जो है वह तीन तरफ से घिरा हुआ है, इस साइड से, ऊपर से और इस साइड से, तीनों तरफ से, और नीचे में जो है वह तो बंगाल की खाड़ी है। तो यह बांग्लादेश तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है, तीन ओर से। 7वां है हमारा अफगानिस्तान। तो यह है, और यह भारत के साथ में 106.0 यानी कि 106 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करती है भारत के साथ में। और इसके साथ में कौन सा क्षेत्र या कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो यह है लद्दाख यानी कि यूनियन टेरिटरीज में है। तो अफगानिस्तान के साथ में केवल लद्दाख ही है जो अपनी सीमा साझा करती है, और वह 106 किलोमीटर साझा करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप देख लिए होंगे, कि भारत के साथ में
अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर है, जो सबसे कम है, और बांग्लादेश का जो सीमा लगती है वह 4096.7 किलोमीटर, यानी कि यह सबसे ज़्यादा लगती है सीमा और यह सबसे कम। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के साथ में बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी लगती है, और भारत के साथ में अफगानिस्तान की सीमा जो है वह सबसे कम, अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ में 4000 से ज़्यादा यह लगती है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि भारत के साथ तीन ओर से घिरा हुआ कौन सा देश है, तो वह है बांग्लादेश। तो इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा देश भारत के साथ तीन तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसका उत्तर करेंगे बांग्लादेश। तो यहाँ पर लिखता हूँ बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ देश है।